दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं नागराज की कॉमिक्स विनाम का तीसरा और अंतिम भाग। मैं ही हूँ असली मैमोथ। हम सदियों से मानवों के बीच में रहते आए हैं और हमने इच्छाधारी शक्ति से उस स्तर को पा लिया है जिसके कारण हमको इच्छाधारी नाग भी नहीं पहचान सकते। फिर तुम तो पेट्रोलियम के माध्यम से वैसे ही दुनिया की ऊर्जा को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे थे, फिर ये विनाम का चक्कर क्यों? पेट्रोलियम से इंजन चलते हैं, हथियार नहीं बनते अजनबी, और दुनिया को कंट्रोल हथियार करते हैं। विनाम ऊर्जा भी देता है और हथियार भी, और सबसे बड़ी बात, मानवों के साथ साथ हमारे परम दुश्मन इच्छाधारी नागों के ऊपर कंट्रोल भी देता है। आज किंग क्लैन इस दुनिया का निर्विवाद शासक है तो सिर्फ विनाम की ऊर्जा के दम पर। ओफ, तुमने मेरे साथ साथ पथ प्रदर्शक को भी धोखा दिया। यह है तुम्हारा पथ प्रदर्शक, हवा में तैरने वाला छोटा सा यंत्र, और थोड़ा कमाल मेरे वेट्रीलोक्विज्म का भी है, हवा में आवाज़ को फेंकने की कला। बोल मैं रहा था और सुन रहे थे तुम इसके माध्यम से। हमारे सामने तुम लोग हर कदम पर बेवकूफ़ सिद्ध हुए अजनबी। तुम भूल गए कि तुम्हारी शक्तियाँ काम करना भूल रही है। शाफ्ट में मौजूद वे जीव जोक नहीं थे, नैनासोर है, हमारी एक हाइब्रिड जाति। उनमें जन्म से ही हर किस्म की शक्तियों को अवरुद्ध करने की पावर होती है। इन्होंने तुम्हारे शरीर पर एक अवरोध जाल बिछा दिया है। तुम्हारी कोई भी शक्ति कम से कम 2 घंटों तक बाहर नहीं आ सकती, और मुझे शक है कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो तुमने की है मुझे अपने हेडक्वार्टर के बीचों बीच पहुँचाकर, कि तू 2 मिनट तक भी जिंदा रह पाएगा। अब पहले तू जुबान खोलेगा फिर मरेगा। इस वक्त सिर्फ तू ही हमारे लिए सबसे बड़ा और एकमात्र खतरा है। बता कौन है तू? क्या तेरे जैसे और भी हैं? अजनबी जब तक जिंदा था जब तक उसकी जुबान बंद थी, परंतु मानवों के पास यह मोहलत नहीं थी। रुको, अपने वाहनों को इसके पैरों से टकराकर इसे गिराओ, हमारी मदद करो। तुम्हारी मदद करेगा तो आत्महत्या करने की नौबत आएगी। तुम्हारी मदद करने में हर तरफ से मौत है। मुझे माफ़ करो भाई, मैं महाकायर हूँ। उफ, हम संख्या में कम है, हमको विजय के लिए मानवों की मदद चाहिए। जितना है तो मानवों के डर को मारो, उस सुसाइड रे को ख़त्म करो जो उनको रहम करते ही आत्महत्या करने पर बाध्य कर रही है। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारा मित्र हूँ, युद्ध जीतना है तो मेरा विश्वास करो। तुम पर विश्वास करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। तो सुनो, यह किंग क्लैन का मेंबर भूमिज है। भूमि ही इनकी शक्ति है और जल इनकी कमजोरी। इसको कमज़ोर करने के लिए चाहिए पानी। अब अगर मुझ पर यकीन आ गया हो तो चलो, तुमको सुसाइड रे कंट्रोल सेंटर को नष्ट भी करना है और पूरी दुनिया को इसकी खबर भी देनी है। अज्ञात सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि दुनिया भर में आत्महत्याओं के दौर के पीछे विनाम का ही हाथ था। ऐसा वे सैटेलाइट से रहस्य में सुसाइड रे बरसाकर कर रहे थे। अब इस खतरे को नष्ट किया जा चुका है और आत्महत्याओं पर विराम लगने की उम्मीद है। यानी अब हम एक दूसरे की मदद भी खुलकर कर सकते हैं और अपनी भी। किंग क्लैन के किले धराशायी होने शुरू हो गए थे, परंतु रहस्य अभी भी बरकरार थे और खतरे भी। अगर इसी ने हमको फंसाया है तो अजनबी की जान भी खतरे में होगी। होगी नहीं है, मेरा दूसरा रूप उससे इंटरव्यू ले रहा है। और तुम अपने खतरे के बारे में सोचो, वह तो जब तक जुबान नहीं खोलेगा तब तक शायद जिंदा रहेगा, पर तुम्हारी जुबान तो हमको बंद करनी ही है। पर जल्दी मरना, किंग को खुशखबरी सुनने में देरी पसंद नहीं है। सुन लो, और शायद ज़्यादा बोलने का टप्पा हम औरतों पर लगता है। उसे छोड़ो, मेरी तिलिश्मी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं कर रही हैं। अब तुम ही कोई रास्ता सोचो, आखिर ये आयाम भी तुम लोगों का बनाया हुआ है और विष भी तुम्हारा है। यह आयाम हमारे कंट्रोल में नहीं है और विष अब ऊर्जा स्रोत बन चुका है। मेरे पास सिर्फ एक हथियार है, यह राजनागदंड। एक पल ठहरो, एक रास्ता है, बोलो। समय नहीं है, बस अपनी पूरी बची खुची तिलिस्मी शक्ति को इन्हें रोकने में झोंक दो। अरे, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, रोक पाऊंगी तो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। उससे क्या फ़ायदा, ये तो सुन ही नहीं रही है। उम्फ, अब क्या करूँ? बोलो विसर्पी, या हमारे मरने के बाद बोलोगी? बस मैं और नहीं रोक सकती इनको। अब देख क्या रहे हो भाई लोगो, वार करो ताकि मैं उछलूँ। मुझसे इंतजार नहीं होता, अब ये हम पर वार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नागद्वीप के राजदंड ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हर विष बूंद में से इच्छाधारी शक्ति को कब्जे में ले लिया है। अब ये हथियार भी हमारे कब्जे में है और मैमोथ भी। तुम्हारे कब्जे में कुछ भी नहीं है लड़कियों, किंग। दूसरी तरफ अब देखो अजनबी, कैसे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी और जुबान की मोटर चालू होगी। ये क्या, अजनबी ने एकाएक इतनी जान कैसे आ गई? तुम तो इच्छाधारी नाग हो, नागराज के इच्छाधारी सर्प। पर तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? तुमको कैसे पता चला कि नागराज जीवित है?
एक अदृश्य आवाज़ ने हमें बताया, उसी ने जिसने तुम्हारी सैटेलाइट सुसाइड रे का ठिकाना बताकर हमें उसको नष्ट करने का मौका दिया। अदृश्य आवाज़, पर मैंने तो कुछ नहीं। खेल ख़त्म हुआ मिस्टर महमूद, यही तुम्हारा नाम है ना? हाँ, और जानते ही क्यों है मेरा ये नाम? इसलिए। और सुनो, जो वार तुम कर रहे हो वे तुम्हारी विश शक्तियों के कारण है, ये वैसे भी मुझ पर असर नहीं करेंगे। खेल अब ख़त्म हुआ है। शाबाश महमूद, तू सचमुच मेरी दाहिनी जीभ है। अब हम बाजी पूरी तरह से जीत चुके हैं। चाहे दुनिया वाले ये समझते रहे कि वे जीत रहे हैं, पर सच्चाई तो यह है कि इस खेल का हर पत्ता हमारे पास है। हमारा हर पासा सही पड़ा है, पर दो रहस्य अभी भी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। पहला तो अजनबी के बारे में कुछ भी पता ना चल पाना, और दूसरा दूसरा क्या? दूसरा वह अदृश्य आवाज़ है जिसने नागराज के सर्पों को सुसाइड रे के कंट्रोल सेंटर पर पहुँचाया और नागराज के जीवित होने और यहाँ पर होने का पता भी दिया। वह जो भी शक्ति है हमसे टकराने से डरती है, वरना अदृश्य कभी ना रहती। उससे भी हम निपट लेंगे, पर पहले इस दुनिया को यह बता दिया जाए कि मच्छरों की तरह हम पर हमला करने की कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी एक दहाड़ उसका खून सुखा देगी। अरे ये बटन कैसे जाम हो गया? इंजीनियर को बुलाओ तुरंत। मेरी टांग में कुछ फंसा है, दरवाज़ा भी बंद हो रहा है। कोई और शक्ति है यहाँ पर। कौन हो सकता है ये जो हमको भी नज़र नहीं आ रहा है? ये जरूर वही है। सभी हमारे कब्जे में हैं। अब तो एक ही ऐसा शख्स बचता है जो हमको चुनौती देने का साहस कर सके, वेदाचार्य। वह अभी तक सामने नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है, अदृश्य है। यह हमें रोक नहीं सकता। मिसाइल्स दागने के लिए हम बटनों के मोहताज नहीं हैं। मिसाइल्स एक्टिवेट हो चुकी है। 10 मिनट के अंदर यह विनाम मिसाइल दुनिया के हर बड़े शहर को तबाह करने के लिए एक साथ चल पड़ेंगी। अगर दुनिया को बचाना चाहते हो तो सामने आ जा, वरना दुनिया को फिर भगवान, खुदा, गॉड और सब मिलकर भी बचा नहीं पाएंगे। ये सभी एक है। ये क्या? जैसे हम सब एक हैं। ये नागराज के बजाय अजनबी के शरीर में क्यों समा रहे हैं? किंग, नागराज को देखो, उसके चेहरे का कुछ हो रहा है। ये तो नागदंत है। इसको तो एक ही अर्थ है कि यह अजनबी नागराज है। यह नागराज बन रहा है। इससे पहले कि यह पूरी तरह से नागराज बन जाए, बढ़ा दो इसके बंधनों की शक्ति को। यह आज़ाद नहीं होना चाहिए। हा, समय रहते सच्चाई सामने आ गई। मैंने अवरोध की शक्ति को लाख गुना बढ़ा दिया है। अब नागराज आज़ाद नहीं हो सकता। तुम मुझे भूल गया किंग। बटन अपने आप का दब रहे हैं। अरे ये भरबंडा करने वाला कौन है भाई? अगर तू वेदाचार्य है तो आवाज़ बदलकर क्यों बोल रहा है? तुम्हारी दुनिया पर राज करने के दूसरी कोशिश यहीं पर समाप्त होती है किंग। ये तो धोखा है। तुमको तो मैंने मौत के मुँह से खींच कर बंदी बनाया था। फिर यह गड़बड़ कैसे हो गई? तुम्हारी सुसाइड रे के बारे में मुझे अभी सोडांगी से पता चला है। उसी कारण मुझे ये पूरी योजना रचनी पड़ी। मैं जानता था कि मुझे राज के रूप में घेरने और मारने की कोशिश जरूर की जाएगी, इसीलिए मैंने ऐसी स्थिति के लिए अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करके कुछ खास निर्देश दे दिए थे, जिसमें एक नए रूप को धारण करना, विश शक्तियों का प्रयोग न करना और हर कीमत पर षड्यंत्रकारियों यानी तुम तक पहुँचने के निर्देश शामिल थे। भारतीय कम्युनिकेशन के उस ग्लोब के गिरते ही मैं इच्छाधारी कणों में बढ़ चुका था, और वहाँ पर तुम्हारी उपस्थिति का आभास होते ही मैंने नागदंत के शरीर में कुछ इच्छाधारी परिवर्तन करके तुम्हारे साथ भेज दिया था। उसके बाद सेल्फ हिप्नोसिस के कारण मैं खुद भी अपने बारे में सब कुछ भूल गया था। मेरी पथ प्रदर्शक सिर्फ वे मानसिक तरंगे थी जो या तो मेरे करीबी लोगों से मुझ तक आ रही थी या सिर्फ मेरे जासूसों सर्पों से, और मेरी सेल्फ हिप्नोसिस तभी टूटनी थी जब मैं षड्यंत्रकारियों के मुख्य ठिकाने तक पहुँच जाता, जैसे कि अब। पर अब कोई फ़ायदा नहीं है नागराज, तू चूहे की तरह पिंजरे में फंस गया है। अब हर मंजिल पर मौजूद किंग क्लैन आर्मी के हजारों लड़ाके यहीं पर आने वाले हैं, और अपनी सारी शक्तियों के बावजूद भी तू उनसे जीत नहीं सकता, मैं जानता हूँ। हाँ, भाग जा, सबको मुसीबत में छोड़कर भाग जा, और तू कर भी क्या सकता है। पर भागते भागते अपनी दुनिया का विनाश जरूर देखते जाना। मिसाइल्स छूटने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। देखूंगा भी और दिखाऊंगा भी। मेरे बंदी बनने के बाद मेरे शरीर पर लगा शक्ति अवरोध हट चुका है। कमाल है नागराज, ये नई शक्तियाँ तुम में कहाँ से आई? नागदंत की मेहरबानी से। ये शक्तियाँ उसके शरीर में थी जो नागदंत के शरीर मेरे शरीर में आने के बाद मुझ में ट्रांसफ़र हो गई। अब मुझे ये नहीं पता कि इनका असर कब तक रहेगा। फिलहाल तो हमको एक तीर से 2 शिकार करने हैं। इस फ्लोर में कैद नागदीप के नागों को उनका विष वापस दिलाना है, और इन विना मिसाइलों को आबादी तक पहुँचने से रोकना है। ये इच्छाधारी महानाग अपने ही विष के बादलों की एक एक बूंद को समेट लेंगे, और इसके साथ साथ मैं किंग क्लैन को समेट कर ऐसी जगह पर दफन करूंगा जहां से ये कभी बाहर नहीं आ पाएगा।
पलटा तो अभी भी हमारा ही भारी है नागराज। अब फैसला सिर्फ मेरे और तेरे बीच में होगा नागराज। तू है संसार का सबसे बड़ा महाविषधारक और मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा महाविष रोधक। तो जो जीवित रहेगा उसका दुनिया पर राज होगा। सुना है तू बुलेट प्रूफ है, पर लेजर प्रूफ है या नहीं? तू मुझसे ऐसे वार की उम्मीद नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था ना? मैं कह रहा था वैसे अगर तू विष शक्तियों से सुरक्षित ना होता तो ये किरणें मैं तुझ पर भी पलटा सकता था और मैं तंत्र शक्ति से तुझे भस्म कर देती। पर अफसोस कि मेरा तंत्र भी नागतंत्र है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी शक्ति तो है कि ये तेरे पिट्ठुओं को बांध सके। और तुझको बांधने वाली कैद मेरे पास है किंग, हर सरीसृप को बेबस कर देने वाली ठंडी बर्फ की कैद। उफ आ किट 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 किट, तेरी ठंड ने तो मुझे मार डाला रे। ऐसा मैं कहता अगर तेरी ये बर्फ तेरी ना विष शक्तियों के कारण ना होती। ये मुझ पर तो नहीं, पर इसकी चोट तुझ पर जरूर असर करेगी। तीन सर्प तो निकल गए, अब तेरे शरीर में अगर इच्छाधारी नाग बचे भी होंगे तो गिनती के। और मुझे ये भी पता है कि तू अपनी इच्छाधारी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो चुका है, पर मेरे शरीर में इच्छाधारी किंग क्लैन की तादाद बढ़ रही है। जितने मेंबर मेरे हेडक्वार्टर में थे सभी मेरे शरीर में समा रहे हैं। अब मेरे पास तुझसे लाखों गुना ज़्यादा इच्छाधारी शक्ति है और इस युद्ध का निर्णय इच्छाधारी शक्ति ही करेगी। ओह, इसकी विपरीत इच्छाधारी शक्ति मेरे शरीर को तोड़ रही है। मुझे कुछ करना होगा, सोचना होगा। विपरीत इच्छाधारियों के दो महाधारक आपस में टकरा उठे और पूरी दुनिया में इच्छाधारी ऊर्जा की तरंगें फैलकर एक नए किस्म का विनाश फैलाने लगी। ओफ, नागराज किंग की विपरीत इच्छाधारी शक्तियों को झेल नहीं पा रहा है। हमें उसकी मदद करनी होगी, पर हम तो बंधन में हैं। अगर वे बंधन खुले तो बंधन खुल जाएंगे। पहले तो मैमोत बोल रहा था, अब ये कौन है? दोस्त, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, किंग क्लैन का इस दुनिया से समूल नाश। पर इनको मारना मुश्किल है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कैद करना, क्योंकि हमने उनकी आयाम जेल इच्छाधारी शक्ति से बनाई थी और अब उनकी विपरीत इच्छा शक्ति हम पर हावी ही हो रही है। तो फिर कैद किसी और किस्म की होनी चाहिए, जैसे तिलिस्मी। ये तो मैं आराम से कर सकती हूँ, पर इसको उसके अंदर कौन भेजेगा? नागराज, भरोसा रखो उस पर, उसको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। मुझे अतिरिक्त इच्छाधारी शक्ति चाहिए और वह मुझे मिलेगी नागद्वीप के इच्छाधारी सर्पों से। अब हम दोनों की इच्छाधारी शक्तियाँ बराबर है, अब मुकाबला बराबरी का होगा। विपरीत इच्छाधारी शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैलकर पृथ्वी को अपने आगोश में ले रही थी और अपना विचित्र असर दिखा रही थी। ये क्या हो रहा है? इच्छाधारी शक्ति के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स, इसी कारण हम इच्छाधारी शक्ति धारक दुनिया से दूर रहते हैं। अगर ये लड़ाई जल्दी ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंची, तो लड़ाई कोई भी जीते, यह दुनिया युद्ध हार जाएगी। और यह बात अब तक नागराज भी समझ गया होगा। उफ, विनाश हो रहा है। अगर ये युद्ध विष शक्तियाँ नहीं बाहुबल जीते तो ऐसा ही सही, परंतु निर्णय शीघ्र होना चाहिए। परंतु बाहुबल से जीतना इतना आसान नहीं था, हारना जरूर आसान था। किंग, नागराज पर हावी हो गया है, उसको वार करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? इच्छाधारी शक्ति जब किसी की मर्जी से विपरीत उसका आकार बदलती है तो मर्मांतक पीड़ा होती है। भारती, नागराज इस वक्त कितनी पीड़ा सह रहा है इसका अंदाज़ा लगाना भी असंभव है। काश मैं उसकी मदद कर सकती। अब तेरे साथ साथ पूरे नागद्वीप का भी बंडल बनाने का समय आ गया है। तेरे विखंडन के साथ किंग क्लैन का रास्ता साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ। साफ? साफ का अर्थ गंदगी दूर करना होता है, और यहाँ की गंदगी तुम हो किंग। आह, तुझमें एकाएक कितनी ताकत कैसे आ गई? यह युद्ध में बॉक्सर की तरह लड़ रहा था, और बॉक्सिंग में वही जीतता है जिसमें चोट सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। मुझ पर बेहिसाब वार करके तूने अपनी इच्छाधारी शक्ति को खुले हाथों से खर्चा है, और अब तेरी शक्ति मेरे इच्छाधारी वार का मुकाबला नहीं कर सकती। नागराज, उसे तिलिस्मी द्वार में धकेलो। ओफ, नागराज की इच्छाधारी शक्ति थोड़ी सी कम पड़ रही है, और उसे यह अतिरिक्त शक्ति मेरा राजदंड देगा जिसमें विनाम हथियारों की इच्छाधारी शक्ति समाई हुई है। अब मैं भी चलता हूँ, क्योंकि जहाँ पर किंग है अब वही मेरा घर है। तू कौन है भाई, और किसकी तरफ है, हमारी या किंग की? शायद चला गया। नागदीप के नाग तो घर गए, सब सामान्य हो गया है, पर क्या विनाम के साथ साथ तुम्हारी उड़न शक्ति भी समाप्त हो गई नागराज? अभी तक तो नहीं, पर यह असर कब तक रहेगा ये डॉक्टर करुणाकरण भी नहीं बता पा रहे हैं। नागदंत को क्या हुआ, वह एकाएक गायब कैसे हो गया? पता नहीं, शायद हमें आज़ाद कराने वाली शक्ति ही उसे ले गई। कस्टमर आ रहा है मैनेजर से मिलने। हम जापानी कंपनी यामा हामा मर्चीज का वाइस प्रेसिडेंट है सुकोहिता। हमको अपनी आपका सिक्योरिटी के बारे में अच्छा अच्छा बात सुना है,
हमको आप अपना वर्ल्ड वाइड ऑफिसिस के लिए आपका सिक्योरिटी चाहिए। आप कहाँ का मैनेजर है? यस मिस्टर सुकोकिता। आपका नाम? माई नेम इज़ शाह। वॉट शाह? बादशाह? नागराज शाह। नागराज वही वाला? वही वाला। ही। गुड ह्यूमर। हमारा जमेगा शाह। तो अब ये त्रिघाता यहीं पर होती है। समा एक मिनट एक मिनट, एक रहस्य तो हम आपको बताना ही भूल गए। वो सही समय पर याद आ गया। तो आइए। मैं कहाँ पर हूँ? अरे कोई यहाँ पर, कोई तो आओ मुझे छुड़ाओ। ये कमबख्त मेरे क्लैन वाले भी मेरे शरीर से निकल नहीं पा रहे हैं। हेलो हेलो, बोलो मिस्टर किंग, तुमने एकदम सही नंबर मिलाया है। तुम थे जो अदृश्य रूप में हमारे दुश्मन की मदद कर रहा था, पर तुम जिंदा कैसे बच गए? विष ने जीने नहीं दिया, विनाम की एंटीडोट ने मरने नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि चलो आधा जीवन तो जहर की स्टडी में बिता दिया। अब सोच रहा हूं कि बिना जहर वालों पर थोड़ी शोध करूं। नहीं, समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स का भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।